हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। मैं हो गई हूँ रेडी, नॉट पूरी तरीके से। आज शोएब बाहर गए हैं आरिफ को देखने के लिए, मिलने के लिए, अगर मिलने दिया जाए तो, नहीं तो अप्पी को वो मिल के आएंगे। एंड मेरा भी थोड़ा सा बाहर काम है, सो मैं भी बाहर निकल रही हूँ और उसके बाद फिर देखेंगे अगर शाम में मिलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। सो फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहन लिया अपना न्यू सूट जो जमील भाई ने बना के जस्ट अभी भेजा है, मेरे रेडी होने से पहले जस्ट अभी पहुँचा तो मैंने लगे हाथ वो पहन लिया। और फिलहाल मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख और मैं पहली बार कुछ ट्राई करने वाली हूँ जो बहुत हेल्दी है, जो एक्चुअली खाना चाहिए, जो कि है स्वीट पोटैटो। तो वो बॉयल मैंने करवा लिया है, उस पर आई थिंक नींबू वगैरह डाल के खाते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ और देखते हैं कैसा है। तो अभी फिलहाल इस पे सिर्फ नींबू डाला हुआ है ना? अच्छा है, मस्त लगता है। और आज ये दोनों मेरे साथ हैं, आज इनके साथ चले गए इनको छोड़। तो आज हम जाएंगे। तो ये देखिए कि ये है, ये ना ऐसे ही सेट भगवान कलेक्शन पे आए हुए हैं। तो ये है इसका प्लाजो का कुर्ता, प्लाजो पैंट जो चाहे बनवा सकते हैं। मैंने प्लाजो बनवाया है ढीला ढीला सा और इसका मैंने ऊपर स्ट्रेट फिट कुर्ता बनवाया है। और मुझे एक ऐसी ही थ्रेड वर्क का दुपट्टा मिल गया है इसके साथ, जैसा मैंने आज पहना हुआ है वैसा एक ये है। ये मैं आई थिंक ब्लैक लेगिंग या रेड, अगर मुझे ऐसी सेम लेगिंग मिलती है उसके साथ और रेड दुपट्टे के साथ पहनूंगी। और इस पे बॉडी कट है और ये पोटली बटन डाले हुए हैं। एक ये है, इसमें और इससे पहले रेड वाले में फ़र्क ये है, आप पास से देख पाएंगे इसमें कलियां कटी हुई हैं। ये देखिए, ये कली है, ये कली है, बॉडी कट है और इसके गले पे पोटली बटन दिए हैं। जो रेड वाला था ना उसमें कलियां नहीं थी, वो अम्ब्रेला कट कटा हुआ था। ये आई थिंक वाइट के साथ अच्छा लगेगा ना, वाइट लेगिंग और वाइट दुपट्टा, इसे दुपट्टा मस्त मुकैश वाला है ना, बताइएगा ज़रूर। ये तो मतलब कॉम्बिनेशन ही दिल खुश कर देता है ना, ब्लैक एंड हॉट पिंक मजेंटा, वाह। सो ये भी हमने बॉडी कट और यहाँ पे कलियाँ हैं इसके, ये कली है, ये देखिए, ये कली है, ये कली है, ऐसे बनाया है। ये तो मैं डेफिनेटली हॉट पिंक कलर की चूड़ीदार और दुपट्टे के साथ पहनूंगी। और फिर एक ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये थोड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई झिकमिक नहीं है और यहीं पे सेम पोटली वगैरह बनाया है। तो ये कुछ आउटफिट्स मेरे आए हैं बनके। बेसिकली मैंने सारे एक ही पैटर्न के इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये बहुत लाइट वेट हैं, बहुत ही हल्के हैं। मैंने कपड़े भी ऐसे उठाए थे जो दिखने में थोड़े ग्रैंड लगे बनने के बाद, लेकिन वेट में बहुत हल्के हों, तो मेरे लिए कैरी करने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा आसानी है। सो यस, ये वाले कपड़े मैंने बनवाए हैं, अभी मैं धीरे धीरे पहनूंगी। एक मैंने पहना हुआ है, इसका फुल व्यू मैंने आपको दिया नहीं है, मैं दिखाती हूँ, बहुत प्रिटी लग रहा है। और मेकअप मैं करूँगी कार में। स्वीट पोटैटो मैंने खा लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अगर पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है तो सोडियम का इंटेक कम करें एंड पोटेशियम बढ़ाएं, पोटेशियम इज स्वीट पोटैटो एंड बनानास। तो मैंने वही, इसलिए मैंने आज स्वीट पोटैटो पहली बार टेस्ट किया है, पर बहुत यम था, बड़ा मज़ा आया खा के, एंड समथिंग जो मैं रोज़ खा सकती हूँ। सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं, बाल मैंने ड्राई कर लिए हैं, मेकअप बैठ के गाड़ी में करेंगे और चलिए चलते हैं। आगे हूँ मैं अपने किचन में, इफ्तार का टाइम होने में अभी डेढ़ घंटा है, एक्चुअली 5:30 हो गए, तो नॉट एग्जैक्टली डेढ़ घंटा भी। एंड कल मैंने कुछ शूट नहीं किया, कल मैं फुल आराम जोन में थी। और आज मैंने शरबत बना के रख दिया है, गुलगुले के लिए आटा घोल दिया है, यहाँ मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं पापड़ फ्राई कर लूंगी। तो मैं अपनी रेगुलर वाली जो चीजें है ना वो रेडी करके साइड में कर लूंगी और उसके बाद बनाएंगे कुछ एक अच्छी अलग सी चीज, जैसे मैं हमेशा एक कुछ स्पेशल बनाती हूँ वो बनाएंगे। तो शोएब हैज शेयर्ड द वर्क विद मी अगेन, आज भी ये जल्दी आ गए और ये लग गए अपनी ड्यूटी पे पापड़ फ्राई करने के लिए। मीनवाइल मैंने ये देखिए 1/2 kg चिकन जो है ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके पानी में डाल दिया है, इसमें मैंने गार्लिक डाल दिया है थोड़ा, इसमें मैं पेपर डालूंगी और इसे हम फ्राई कर देंगे। ठीक है, तो हम ये यहाँ इस तरह कर देते हैं। मैं ना बटर चिकन रोल या बटर चिकन ट्विस्टेड समोसा, क्या खाना है आपको?
इजी क्या पड़ेगा? दोनों ही, एक ही मैदा दोनों के लिए गूंदना है, बस एक को ट्विस्ट करना है, एक को समोसा बनाना है। नहीं रोल खाएंगे, समोसा नहीं, समोसा ज्यादा नुकसान करता है। अच्छा डन, जाओ आप हवा में बैठो, आराम करो। थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्मोक बटर चिकन रोल्स बनाते हैं। मिनी रोल्स बनाऊंगी क्योंकि इफ्तार के लिए है, तो वो मिनी रोल हर कोई एक 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 ले पाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मैदे का आटा मैदा गूंद लेती हूँ और रख लेती हूँ साइड में, कि कुछ देर के लिए हम उसे छोड़ देंगे। मेरा चिकन तब तक बॉईल हो जाएगा और फिर हम जो स्टफिंग है वो पूरी रेडी करेंगे और उसमें थोड़ा सा मेयो डालेंगे और ऊपर से चीज़ अगर आपको चाहिए, खैर वो मैं आपको बाद में विथ ईच स्टेप बताती हूँ। तो अब मैं अभी यहाँ पे 2.5 से 3 कप मैदा लूंगी, ये तो आप अपने हिसाब से लें, ये कोई ऐसे डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं पराठे या रोटी बनाते वक्त, हमें वैसा ही गूंदना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल। इसको थोड़ा सा ऐसे ही घुमा लेते हैं। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुआ है, परफेक्ट। बस इसे हम निकाल लेंगे, थोड़ा अपने हाथ से कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। और अब लास्ट में थाली में थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद इसे ऊपर से अच्छे से हम लोग एक और बार गूंद के प्लेट में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा आटा हो गया रेडी, एज इन मैदे का डो। हमारा चिकन हो गया बॉयल, मैंने उसे छान के रख दिया, मैं आपको बस थोड़ी देर में दिखाती हूँ। अभी हम मीनवाइल जो पेस्ट है, जो मसाला है, वो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो इसको थोड़े से ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें डालने वाली हूँ, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। जस्ट वेरी लिटिल ऑयल, बेसिकली बिकॉज हमारी जो फिलिंग है वो एग्जैक्टली बटर चिकन तो नहीं, बट उससे थोड़ी डिराइव होने वाली है। हम फ्लेवर्स जितना हो सके वही अचीव करने की कोशिश करेंगे। और ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें डालेंगे हम 2 हरी इलायची और ये जैसे ही आपको थोड़ी सी खुशबू आने लगे, ये मैंने 2 अनियन यहाँ पे स्लाइस कर लिए हैं पतले पतले, ये हम इसमें डाल देंगे। चलिए अब जब तक ये सौते होता है ना, तब तक हम अपने चिकन को क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए ये हमारा चिकन एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसे हमने इस तरीके से, हाँ गर्म है आप भी ध्यान रखिएगा, तो इसको मैं श्रेड कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसे भी थोड़ा सा बटर डाल के उसमें हम इसे सौते करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें वो थोड़ा यू नो सौते वाला थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए। स्मोक फ्लेवर हम लास्ट में डालेंगे कोयले का दम देके, जस्ट फिलिंग करने से पहले। फिलहाल इसे श्रेड कर लेते हैं और सौते कर लेते हैं। मेरे घर पे ये रखा हुआ है, मैं भूल ही गई थी। एक्चुअली ये शीतल लेके आई थी पापा के लिए, जब पापा ने अम्मी के लिए वैलेंटाइंस डे पे सैंडविच बनाया था। तो वाह, ये तो बड़ी आसानी से मेरे चिकन श्रेड हो गया, क्या बात है। मुझे अभिषेक ने याद दिलाया कि भाभी इसका श्रेडर आता है, वो ऐसे ऐसे कुछ खींचते हैं, तो मुझे याद आया कि अरे हाँ ऐसा कुछ तो शीतल लेके आई थी। तो वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मस्ट बाय, बहुत काम की चीज है। अब यहां पे ना मैं एक टमेटो को, सिर्फ एक टमेटो को अच्छे से प्यूरी कर लूंगी और ये हम अपने अनियंस में डाल के उसको अच्छे से कुक करेंगे। तो ये देखिए आपके अनियंस हल्के हल्के कैरमलाइज भी हो गए हैं और ये हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। चलिए यहाँ पे दूसरा पैन रख लिया है,
इसमें भी डाल देंगे थोड़ा सा बटर। यहाँ नोटिस किया आपने, मुझ डफर ने पैन रखा है आगे वाले बर्नर पे और ऑन कर दिया है पीछे वाला बर्नर। और देखिए मुझे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा, मुझे रियलाइज़ हुआ जब ये क्लिप ख़त्म हुई कि ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा बटर। इसमें हम चिकन एंड ग्रीन चिली डाल के सौते करेंगे। एक ये छोटी सी प्रेपरेशन करके रख लेते हैं इस तरीके से। अनियन को पतला पतला काट लीजिएगा रिंग्स में और इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे लाइम सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर के साथ, जैसे हम लोग सैलड कभी कभी रेडी करके रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये हमें काम आएगा जब हम फाइनल अपने रोल की असेंबलिंग कर रहे होंगे। तो रेसिपी के थोड़े शुरुआत में कर लीजिएगा ताकि अनियन जितना हो उतना अच्छे से मैरिनेट हो जाए। सो आज ना इफ्तार के वक्त तक मेरा ये जो बटर चिकन रोल है वो रेडी नहीं हो पाया क्योंकि बीच में कहीं और उलझ गई थी, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया था सब और मैं अभी वापस से रिज्यूम कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो टमेटो प्यूरी डाली थी वो अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन, थोड़ा सा फ्रेश अदरक और लहसुन मैंने थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक इसकी कच्ची स्मेल चली नहीं जाती तब तक हम इसे कुक करेंगे। इस पॉइंट पे आप जब इसे स्मेल करेंगे ना तो आपको वो बटर चिकन वाली हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने अब तक इसमें कोई स्पाइस नहीं डाला है, सिर्फ हमने चिकन बॉईल करते वक्त उसमें पेपर डाला था और कुछ नहीं डाला है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और थोड़ा सा गरम मसाला। दैट्स इट, इसे हम कर लेंगे मिक्स। एंड बिकॉज वी आर मेकिंग अ रोल तो इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी टमेटो केचप, वो भी डाइल्यूट की हुई, सो दैट स्वीटनेस थोड़ी आए लेकिन ज्यादा नहीं। ये मैंने 1/4 कप मेजरिंग लिया है, इसमें हम हाफ डालेंगे टमेटो केचप एंड हाफ वाटर। चलिए नाउ टाइम टू एड आवर चिकन। ये चिकन जो हमने अच्छे से बटर में सौते करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सो ये देखिए मेरा जो चिकन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जब आप डालोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि मसाला कम है, बट बिकॉज आप मसाला है सो थिक यू विल जस्ट हैव टू टेक 2 मिनट्स टू मिक्स इट वेल, और फिर वो अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ एंड अब मैं इसे एकदम लो फ्लेम पे ढक के हार्डली 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे एंड फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट। तो मैं आपको उसे और बताऊंगी। चिकन ऑलमोस्ट होने वाला है इसीलिए मैंने ये कोल का एक पीस जो है वो यहाँ पे बर्न होने के लिए रख दिया है। और अब मेरे पास है अमूल फ्रेश क्रीम, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। पहले देख लेते हैं, ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से जो है इसमें रच गया है हमारा मसाला चिकन में, और मैंने हार्डली 1 मिनट ही इसको ढक के रखा था। अब मैं इसमें मैं अंदाजे से डालती हूँ क्योंकि हमें बहुत गीला भी नहीं चाहिए हमारा पेस्ट। खैर पानी को आप सुखा सकते हो थोड़ा सा, लेकिन एंड वो क्रीमी फ्लेवर जो है वो पूरा ब्लेंड हो जाना चाहिए। इसलिए हम डालेंगे
बस आई थिंक मैं और नहीं डालूंगी, एंड लास्ट में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इस पॉइंट पे ना आप चाहो तो आप फ्लेम ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि कुक तो पूरा हो गया है। यू जस्ट वांट टू मिक्स इट वेल। चिकन तो हमारा पूरा कुक हो गया है, मैं इसे ढक के रख रही हूँ जब तक हमारा कोल और थोड़ा अच्छे से बर्न ना हो जाए, फिर हम इसमें दम देंगे कोल का वो स्मोक फ्लेवर के लिए। तो मुझे 5 मिनट दीजिए, उसके बाद मिलते हैं। जब तक इसका दम होता है तब तक हम अपने मैदे के रोल्स की जो रोटियां हैं वो बना लेंगे। चलिए, नाउ टाइम फॉर गिविंग द दम। हम यहाँ पे रखते हैं घी रेडी और ये हमारा ढक्कन रेडी। चलिए, जब तक हमारे चिकन में अच्छे से स्मोक्ड फ्लेवर एब्जॉर्ब होता है तब तक हम अपने रोल्स की जो रोटियां हैं वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 ऑलरेडी बना ली हैं, 2-4 और बना लेती हूँ। बस कुछ नहीं, हल्की पतली सी आपको ये मैदे की रोटी बेलनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं मिनी रोल्स बना रही हूँ, इसलिए मैं छोटा छोटा इसको रोटी बना रही हूँ। यही चीज आपको अगर बड़े प्रॉपर रोल्स बनाने हैं, एज डिनर खाना है या टिफिन में लेके जाना है, तो आप नॉर्मल चपाती जो है वो बना ले, जो हम बड़ा चपाती बनाते हैं रोल के लिए वो बना ले, एंड बस इसे सेक ले। इसे जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है। यहाँ मैंने एक तरफ लगा लिया है ऑयल, अब मैं इसे पलट दूंगी एंड दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा के इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए और अच्छे से पक भी जाए। ये रहे मेरे मिनी बटर चिकन रोल्स। इफ्तार के लिए बन जाते तो कितने परफेक्ट थे ना, मतलब हर एक इंसान अपनी प्लेट में एक ले ले। तो एनीवेज कोई बात नहीं, मैं अभी जाके खिला दूंगी सबको। सो ये 3 मैंने असेंबल कर लिए हैं, और जो हमने ऑब्वियसली जब भी आप कोयले का स्मोक तो वो जो खुशबू आती है और जो फ्लेवर आता है वो इतना बढ़िया होता है ना, तो ये मैंने रेडी कर लिए हैं। रेडी होने के बाद हमारे कुछ इस तरह दिखने वाले। अब मैंने ये कैसे रेडी किया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सब कुछ रख लिया है मैंने, जिससे आपको असेंबलिंग में आसानी हो। सो ये सबसे पहले एक मैदे की जो रोटी हमने रेडी की है वो ले लेंगे। उसमें बीच में एक स्ट्रिप ऑफ मेयोनीज, इसको आप एक स्पून से स्प्रेड कर लीजिएगा हल्का। इसमें आपको डाल देना है अपना चिकन। बहुत ज्यादा फिल मत करिएगा, बहुत कम भी फिल मत करिएगा, लाइक दिस मच इज इनफ। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे ये हमारा जो मैरिनेट किया हुआ अनियन है वो। आप चाहें तो यू नो कैप्सिकम, देन कैबेज, ये सब भी आप डाल सकते हैं, बट आई विल स्टिक टू ओनली अनियन। इसके बाद हम इसे कर लेंगे रैप। मैं क्यों बोल रही थी ज्यादा मत डाल फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको ये ओवरलैप चाहिए सो दैट आप ये डाल के इसे लॉक कर पाओ, जैसे हम सिलाई का एक स्टिच नहीं मारते वैसे। ये लीजिए, ये हो गया आपका रोल रेडी। ओके, सो माय मिनी बटर चिकन रोल्स आर रेडी। ट्रस्ट मी, बहुत 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 ही ज़्यादा यमी इनका फ्लेवर होता है, क्योंकि जब आप एक बाइट लेते हो ना तो उसमें वो बटर चिकन का फ्लेवर, प्लस क्योंकि हमने इसको कोयले का दम दिया है तो वो स्मोक्ड फ्लेवर आता है, स्पाइसी, हल्का सा, बहुत हल्का सा मीठा। एंड जब आप मेयोनीज डालते हो तो वो फ्लेवर भी उसके साथ बैलेंस हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, क्रंच और खट्टास ऐड करने के लिए हमने इसमें मैरिनेटेड लाइम डाला है। सो बहुत ही अच्छा स्नैक है, स्नैक नहीं तो टिफिन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कैरी करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसके बड़े रोल्स भी बना सकते हो। सो प्लीज जरूर ट्राई कीजिए, ये रोल्स बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मैं वेट करूंगी। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल।